पीएम के सपने को साकार प्रदेश के स्कूली छात्र कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने देश में स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था, जिसे अब धार मिल चुका है। शहर के साथ साथ गांव में भी स्वच्छता अभियान को लेकर लोग गंभीर होते दिख रहे हैं। पीएम के इस अभियान को लेकर पौड़ी के स्कूल में शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाई के माध्यम से जागरूक किया। दरअसल पौड़ी के पालिका स्कूल नंबर 5 में स्वच्छता के पाठ को बेहद ही रोचक तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चे खेल खेल में स्वच्छता के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमें पढ़ाया जा रहा है कि जैसे हमें हमारा अपने घर को हमें साफ रखना चाहिए, स्कूलों को साफ रखना चाहिए, हमें कहीं गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। बच्चों को अध्यापकों के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को खुले में शौच न करने, अपने घर और आसपास को साफ सुथरा रखने का पाठ कविता के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, जिसको पढ़ने में बच्चे भी बड़ी रुचि ले रहे हैं। बच्चों के स्कूलों के माध्यम से पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो कल्पना है भारत को स्वच्छ बनाने की, उसका एक अभियान चल रहा है। उसमें हमारे विद्यालय के अंदर भी हमने विद्यालय को किस तरह से स्वच्छ रखना है, उसके संदर्भ में हम ये बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं। इसकी एक प्रतियोगिता भी हमारे सरकार ने इसको करवाया है, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। वहीं प्रदेश के साथ देश को अगर बीमारी से दूर रखना है तो बच्चों के अंदर स्वच्छता की भावना पैदा करना होगा, जो उसके अंदर अध्यापकों के साथ साथ अभिभावकों के द्वारा ही दी जा सकती है। इसको लेकर छात्र भी अब रुचि के साथ साथ स्वच्छता को लेकर गंभीर होते दिख रहे हैं। हमें पढ़ाया जा रहा है कि घर में ना स्कूल में गंदगी हो, आंगन साफ रखे, क्लास साफ रखे, और गंदा खाना ना खाए, खुला वगैरह खाना ना खाए, खुले में स्वच्छ ना करे। स्कूल द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर उठाया गया ये कदम काबिले तारीफ है। ऐसे में अगर हर स्कूल स्वच्छता को लेकर छात्रों को पाठ पढ़ाना शुरू करे तो वो दिन दूर नहीं जब स्वच्छता को लेकर लोग खुद जिम्मेदार हो जाएंगे। पौड़ी से कुलदीप बिष्ट, एपी।